दोस्तों आज की इस वीडियो में भाइयों मैं कैसा फॉर्मूला लेके आऊँ जिससे आप कबूतर फिट रहेंगे, नहीं आप कबूतर में कोई सी बीमारी आएंगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। दोस्तों मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, आपको डाइट दिखाता हूँ कि मैं आपको क्या इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इलेक्ट्रॉल पाउडर भाई है, इसका फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे ना, इंशाल्लाह आप कबूतर में भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। अभी जो वही पैकेट आप जो देख रहे हो, ये उसका ये मानी चली ये इंसानों पे यूज़ होता है, बाकी आप इसको आपके परिंदों पे भी यूज़ कर सकते हो, आपके कबूतरों पे यूज़ कर सकते हो। इससे इसके इससे आपके कबूतर भाई कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। मैंने यूज़ करा हूँ, मैंने भाई उसको यूज़ करा हूँ, मैंने आजमाया हूँ। अभी जैसे कि आपको मालूम है भाई, मई का टाइम चल रहा, मई का मौसम चल रहा है, काफ़ी तफीस है, टेम्परेचर काफ़ी हाई चल रहा गर्मी का, और इस महीने में आपने आप कबूतर की केयर कर ली है ना, आप कबूतर भाई कुछ ही प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले मैं इसका बता देता हूँ एक किस की चीज़ में काम आती है। इंसान के ऊपर आपके परिंदों पर भी वही प्रॉब्लम ही आती है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले भाई ये चीज़ आती है इलेक्ट्रॉल, जो कमजोरी आना, ठीक है, चक्कर, घन्नाटी या फिर लूज मोशन लगना, हाजमा ख़राब हो जाना, ठीक है, ये काफ़ी चीज़ में काम आती है इंसान के ऊपर। और डॉक्टर ने इसको तो तरीका बताया है देने का, इंसानों के हिसाब से 1 लीटर पानी में एक पैकेट डालना है, हर एक 5 मिनट में पीना है। कभी आपको कमज़ोरी हो रही है, चक्कर घन्नाटी आ रही है, आपको कभी लूज मोशन हो गया है, 1 लीटर पानी में इसको आप घोल लो। घोलने के बाद हर पाँच मिनट बाद इसको एक घुट पीना है आपको। एक ग्लूकोज की बोतल जो आती है भाई, उसका आपका ये उसका ये पैकेट ये काम करता है इंसान के ऊपर। परिंदे के ऊपर भी आपको जैसे कि मालूम आ रही भी मासूम परिंदे हैं, गर्मी का टाइम है, इन पे इस्तेमाल कैसे करना है कबूतरों पे और कौन से मौसम में इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, मैं आज की इस वीडियो में आपको एकदम सही तरीका बताऊंगा। पर आपसे दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, हम जब भी वीडियो बनाएं आपके पास नोटिफिकेशन आराम से आ जाए। और आपसे बस रिक्वेस्ट दोस्तों एक और है कि आप हमारी वीडियो जो भी हम इलाज वाली ट्रीटमेंट वाली जो भी वीडियो बनाते हैं, आप हमारी वीडियो को आगे ग्रुप में शेयर करा करो, जो नए भाई है उन तक ये वीडियो हमारी पहुँचे। अब आती है कबूतरों पर यूज़ कैसे करें, आपके कबूतर में मौसम के हिसाब से यूज़ करना, ठीक है, अभी मई का टाइम चल रहा है, आपको गर्मी के टाइम में यूज़ करना, सिर्फ गर्मी के टाइम में किस तरीके से यूज़ करना है मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आपको लेना है 1 लीटर पानी ले लो, 1 लीटर पानी में एक पैकेट डाल दो, एक पैकेट पूरा फाड़ के डाल दीजिए, ठीक है, ये आपको 10 कबूतर के हिसाब से बता रहा हूँ, आपको 1 लीटर पानी 10 कबूतर के हिसाब से आप पैकेट डालो और कबूतर के सामने वो पानी रख दो, आपने दिन भर के लिए उसको रख देना है, ठीक है। आपको ये मान के चलिए गर्मी का टाइम है, हर 10 दिन में ये पैकेट पिलाना कबूतर को, हर 10 दिन में ये पैकेट पिलाना है सिर्फ गर्मी के टाइम में। जो कबूतर को चक्कर घन्नाटी या कबूतर कमज़ोर हो रहा है, जो कबूतर फूल के बैठा है, जो कबूतर के सर का बाल फूल रहा है, ठीक है, आपके अच्छे कबूतर को पिला सकते हैं, बीमार कबूतर को भी पिला सकते हैं, इससे कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। इससे ये पिलाने से आपके कबूतर में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, उल्टा आपको फ़ायदा ही देखने को मिलेगा पिलाना ही आपको गर्मियों के टाइम में, सर्दियों के टाइम में इसको नहीं पिलाना है। अब 12 महीने आपको इसको यूज़ करना है तो किस तरीके से यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सही तरीका। आपने देख लिए कि आपका कोई सा कबूतर बीमार बैठा है, कमज़ोर हो गया है, कोई सा कबूतर हरी बीट कर रहा है, पानी वाली बीट कर रहा है, दस्त कर रहा है, इसका पैकेट फाड़ना, एक चुटकी इसमें से निकालना और उस कबूतर के मुंह में डाल देना। डालने के बाद उसको 5 ml पानी अब पिला देना, एक चुटकी निकालना, रिपीट करो दोस्तों है ना, एक चुटकी निकालना, कबूतर के मुंह में डाल देना, चोंच में डाल देना और ऊपर से 5 ml पानी पिला देना। ये कंटिन्यू आपको 3 दिन करना है,
उससे ये चीज़ देखने में आएंगी, आप कबूतर में कुछ भी कमजोरी सुस्ती पने जो हो रही है, कबूतरों में एनर्जी कम हो रही है, ठीक है, कबूतर हरी बीट पानी वाली बीट कर रहा है, ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम होंगी, इससे आप कबूतर में पूरी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। यानी दोस्तों एक पैकेट से आपके कबूतरों में काफ़ी बीमारी दूर रहेंगी, ये पैकेट आप इस्तेमाल करोगे, जिससे मैंने आपको 12 महीने यूज़ करने का तरीका बता दिया हूँ आपको। एक चुटकी कबूतर मुँह में डालना है, 5 ml पानी पिला देना है, ठीक है, और गर्मियों के टाइम में आपको 10 दिन में एक पैकेट यूज़ करना है, 10 दिन में एक पैकेट पिलाना है सिर्फ गर्मी के टाइम में, गर्मी के 4 महीने बस, फर्स्ट क्लास। आपके कबूतर में एक भी बीमारी नहीं आएंगी, ना ही आपके कबूतर लूज होंगे, ना ही आपके कबूतर में ऐसी कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, आप ही यूज़ करो। और दोस्तों हमको आप फिर कमेंट में ज़रूर बताना है कि वसीम भाई ये जो आपने पैकेट बताया इसका यूज़ का तरीका जो बताया दोस्त, सबसे मेन चीज़ होती है दोस्तों उसको देने का तरीका, ये आप समझ सकते हो कि इंसानों पे कैसे यूज़ होता है और परिंदों पे कैसे यूज़ होता है। आपको मालूम है दोस्तों रमज़ान का टाइम चल रहा है, सभी भाई रोजे रख रहे हैं, हम भी रोजे रख रहे हैं, थोड़ी सी हमारी हालत ख़राब हुई, हमने डायरेक्ट डॉक्टर को फ़ोन लगाया कि डॉक्टर साहब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आप कुछ मेडिसिन लिख दो, हम मेडिकल से ले आऊँगा। तो हमको डॉक्टर साहब ने ये बोले कि भाई दो अब गोली मत लो, गर्मी का टाइम है, आप रोजा पूरे रख रहो, पेट में गर्मी हो जाएगी, ये पैकेट मेरे को दिए, मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ, ये पैकेट आप लेके आ जाओ। तो दोस्तों ये फिर भी दिमाग चला मेरा यार, यार ये जो अपने अपने पे यूज़ हो रही, जो अपने को प्रॉब्लम हो रही है, तो ये अपने कबूतर पे क्यों नहीं यूज़ हो सकती है? तो दोस्तों मैंने इसको यूज़ करा, मैंने अपने पे तो पहले यूज़ डॉक्टर ने पहले मेरे को बोला था भाई इसको यूज़ करो, आपकी कमजोरी दूर हो जाएंगी, जो भी आपका सर्कुलेशन, जो आपको एनर्जी आ जाएगी, आगे आप यूज़ करेंगे ना आपको एनर्जी आ जाएंगे, आप कुछ भी घन्नाटी कमजोरी नहीं होंगी दोस्तों। तो मैंने यूज़ करा, यूज़ करने के बाद दोस्तों फिर मैं थोड़ा दिमाग चला, फिर मैंने कबूतर पर यूज़ करा, माशाल्लाह मेरे कबूतर में ऐसा लगा ही नहीं, ऐसा साइड इफेक्ट मेरे को लगा ही नहीं कि नहीं यार कबूतर इसको देने के बाद कबूतर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नहीं उल्टा इससे फ़ायदा भाई मेरे को देखने को मिला है, इससे उल्टा मेरे को फ़ायदा देखने को मिला है। तो ये आप बिंदास यूज़ करो, इस पर आप पूरा भरोसा मेरे पर रखो, मेरा जैसे कि आपको मालूम है दोस्तों कबूतर केयर चैनल है, कबूतर केयर नाम से है, कबूतर की हिफाजत करना, कबूतर की केयर करना, मैं यही सलाह मेरे चैनल से आपको देना चाहूँगा। और ये भी आप गर्मी का टाइम दोस्तों आप भी जैसे कि रोजे पूरे जा रहे होंगे आपके, और इंशाल्लाह आपके पूरे रोजे जाए आगे तक के, आपको कोई तकलीफ नहीं हो, आप भी ये यूज़ करिए। जब भी आप रोजा खोलते हो, रोजा खोलने के बाद 1 लीटर पानी में एक पैकेट घोल लो, घोलने के बाद हर 5 मिनट बाद इसका पानी पियो आप, आपको दोस्तों एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी ताकत सब आ जाएंगी। उसके अलावा दोस्तों एक पैकेट में ये बता रहा हूँ दोस्तों, ये ऑरेंज वाला है, ये कबूतर के लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, आपके रोजे पूरे जा रहे होंगे, ठीक है ना, आप शेरी करते हो, आप सुबह उठे आपने शेरी करे, शेरी करने के बाद जैसे कि आपने देख लिया कि यार अब टाइम ख़त्म होने वाला है, तो आपको 1 गिलास पानी लेना है और ये पैकेट उसमें डाल देना है, डालने के बाद आप इसको पी लेना है, आपको दिन भर ना ही कमजोरी का एहसास होगा, ना ही चक्कर, ना ही घन्नाटी, आपकी पानी की कमी पूरी ये पूरी करेगा, ये आपको शहरी के टाइम पीना है। और ये आपको जब आप रोज़ा खोल लेते हो ये जब इस्तेमाल करना है दोस्तों, ये मेरे को डॉक्टर ने मेरे को बताया, मैंने तो मेरे को फ़ायदा दिखा इसके अंदर, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप दिखते बात यार आप भी रोजे रख रहे होंगे, आपके रोजे पूरे जाए इंशाल्लाह, जहाँ तक है पूरी उम्मीद करता हूँ मैं। तो ये दो दो चीज़ मैंने बताया, मैं दोनों चीज़ की मैं आपको फ़ोटो भी देख लीजिए, आप मेडिकल पे दिखा के ले आना। और ये पैकेट आप कबूतर भी यूज़ करना है, ठीक है, ये है ना, ये कबूतर भी यूज़ नहीं करना, ये आपके लिए बताया भाई, है ना, मैंने आपके लिए बताया। तो दोस्तों ऐसे नहीं यार, आप भी मेरा भाई हो यार, आप भी रोजे पूरे रख रहे हो, मेरा ही फ़र्ज बनता है कि यार हेल्प करूँ।
आप हमारे चैनल पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।